ब्रिटेन की वो सिंगर जिसके पहले एल्बम ने ही तोड़ दिए थे सारे रिकॉर्ड। ब्रिटिश सिंगर एडेल पिछले दिनों पति साइमन कोनकी से अलग हो गई। एडेल ने साइमन के साथ अपने रिश्ते को हमेशा निजी रखा था, लेकिन साल 2017 में ग्रैमी अवार्ड शो में पुरस्कार लेने के दौरान एडेल ने साइमन के साथ अपनी शादी की बात को कबूला था। हालांकि अब दोनों पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। अलग होने के बाद एडेल नई शुरुआत कर रही है। हाल ही में उन्हें अपने दोस्त ड्रेक की बर्थडे पार्टी में देखा गया था। एडेल एक बार फिर अपनी सोशल लाइफ जीने की कोशिश कर रही है। एंजेलो, उनका बेटा, के बाद वह बाहर नहीं निकलना चाहती थी और अब वह 7 साल का है। एडेल को मूव ऑन कराने में उनकी दोस्त बियॉन्से नॉलेस उनका भरपूर साथ दे रही है। कैसे स्टार बनी एडेल? एडेल ने 4 साल की उम्र से सिंगिंग में हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। उनका मन पढ़ने से ज्यादा गायकी में लगता था। 2008 में उनका एल्बम 19 रिलीज हुआ और इस एल्बम ने उन्हें स्टार बना दिया। पहले हफ्ते में ही इस एल्बम की 30,38,000 कॉपीज बिकी। म्यूजिक एल्बम की हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड है। एडेल अब तक 15 ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी हैं। ग्रैमी में एडेल ने हेलो के लिए बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस, 25 के लिए बेस्ट पॉप वोकल एल्बम के पुरस्कार भी अपने नाम किए हैं। एडेल को स्काई फॉल के लिए ऑस्कर भी मिल चुका है। एडेल का नाम उन सिंगर्स में आता है जिनके एल्बम का इंतजार सालों साल किया जाता है। हेलो के नाम दर्ज है रिकॉर्ड। 23 अक्टूबर 2015 को एडेल ने हेलो एडेल 25 का पहला वीडियो जारी किया था। इस वीडियो ने महज 24 घंटे के भीतर 27.7 मिलियन व्यूज हासिल करके टेलर स्विफ्ट के एल्बम बैड ब्लड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 6 मिनट के हेलो गीत के वीडियो को IMAX कैमरों के जरिए शूट किया गया था। उनका एल्बम इक्कीस की अमेरिका में 11.2 मिलियन कॉपी बिकी थी, जो उस वक्त अमेरिका में बिके टॉप 10 म्यूजिक एल्बम में शामिल था। एल्बम इक्कीस 24 हफ्तों तक बिलबोर्ड 200 चार्ट में पहले पायदान पर रहा था और एडेल यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली गायिका हैं। एडेल ने इक्कीस के हिट होने के बाद जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्म स्काईफॉल का टाइटल ट्रैक भी गाया था। इस गाने के लिए उन्हें 2013 का बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग श्रेणी का ऑस्कर भी मिल चुका है। ब्रेकअप को बनाया सक्सेस का जरिया, एडेल साल 2009 से 10 में किसी से प्यार करती थी। किससे करती थी यह बात उन्होंने कभी सार्वजनिक नहीं की। वह शादी करके एक घर बसाना चाहती थी, लेकिन उस शख्स ने किसी और से शादी कर ली। इसके बाद एडेल इतनी टूट गई कि दोबारा प्यार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। टूटा दिल लिए उन्होंने रोलिंग इन द डीप गाया। गाने के लिरिक्स दे अज ए फायर स्टार्टिंग इन माय हार्ट, आप पढ़ेंगे तो जान जाएंगे उस वक्त एडेल के दिल पर क्या बीत रही थी। इसके बाद एडेल लौटी फिर अपने नए एल्बम 21 से। इसका एक गाना समवन लाइक यू उन्होंने लिखा व गाया। यह गाना यूके का 3रा सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला गाना है। इस गाने में भी एडेल ने अपने दिल का हाल बयां किया। लोगों ने समझा और बना दिया एडेल को ब्रेकअप स्टार, लेकिन एडेल ने अपने ब्रेकअप के दर्द से करोड़ों कमाया। अपने इन गानों के जरिए उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जवाब दिया।